तो अगर आप होंडा WRV पेट्रोल में लेने के बारे में विचार बना रहे हो तो मैं आपके लिए एक पूरी खबर लेकर आया हूँ कि जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैं एग्जीक्यूटिव के आगे इतना सब नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि देखो सब चीज़ जो होती है ना वो किसी भी कैमरे के ऊपर ऐसे बोली नहीं जाती। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको बिहाइंड द सीन्स वगैरह इन्जॉय करने होते तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो एक मैं शॉर्ट बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई वीडियो है नहीं, क्योंकि आपको जैसे पता है कि मेरी मदर को जो है कोविड हो रखा है, तो इस कारण मैं आइसोलेटेड हूँ और दिल्ली में लॉकडाउन भी लगा हुआ है 3 तारीख तक, तो उस तक तो मैं जा भी नहीं सकता वीडियो बनाने के लिए। तो जो होंडा WRV पेट्रोल के अंदर है उसकी जो राइड है, मतलब राइड क्वालिटी, स्पेस वगैरह, प्रैक्टिकलिटी बहुत सही है गाड़ी की, बट जो गाड़ी का इंजन है वो ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेज है इस गाड़ी के बारे में। ना ही इस गाड़ी का जो इंजन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल फील होता है, क्योंकि इसके अंदर 1.2 लीटर का इंजन आता है जो 90 PS की पावर साथ साथ 110 Nm ऑफ टॉर्क बनाता है, जो कि इतनी बड़ी एक गाड़ी के लिए जो है इनसफिशिएंट मैं मानता हूँ है, क्योंकि जैज में भी आता है और जैज के अंदर ज़्यादा बेटर फील होता है वो इंजन। और इस गाड़ी का जो AC है वो भी बेकार है, इस गाड़ी का जो इंजन है वो भी इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बुरा है। ना ही वो कोई भी गियर के अंदर आप भगा लो, क्योंकि इस राइड के अंदर मैंने भगाने की कोशिश करी, गाड़ी ने 100 किलोमीटर तक की भी जो स्पीड है वो टच नहीं करी थी। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो कि इस गाड़ी का इंजन कितना ज़्यादा बेहतर है सिटी ड्राइव एज वेल एज हाईवे ड्राइव के लिए भी। थैंक यू सो मच।